अल्लाम नाजरीन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व से होंगे आज हम बात करेंगे टैबलेट एसी किस लिए इस्तेमाल की जाती है इसके फ़ायदे क्या हैं इसके नुकसान क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आज के तमाम तर सवाल के जवाब आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे तो नाजरीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ टैबलेट एसीनेक। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए या कम्बीशन साल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर एसिक्लोफेनिक हंड्रेड एम जी में ये टैबलेट होती है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेन किलर है नॉन स्टीराइडल मेडिसिन है ये इसको जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है और पट्ठों के खिंचाव में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और बैक पेन लेग पेन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके अलावा नाजरीन इसको पट्ठों के खिंचाव में हेडेक में इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है और अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उस सूरत में भी हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत अच्छी टैबलेट है 200 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है अगर हम इसकी डोजेज की बात करें 15 प्लस एज में हम इसको 100 एम सुबह शाम की डोज़ यानी बी डी डोज़ पे रखते हैं और 200 हंड्रेड की जो डोज होती है वो ओडी होती है यानी दिन में एक मरतबा आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और जो 100 एम की डोज़ है इसको हम सुबह शाम में डोज़ दे सकते हैं और नाजरीन इसको कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते तो इसमें जो पैप्टिक अल्सर के डिजीज़ के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके अलावा जिनके किडनी के प्रॉब्लम्स हैं यानी क्रेटानन यूरिया बढ़ा हुआ है तो वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहते हैं जो अपने उनकी फिजिशंस जो डॉक्टर्स हैं वो इनको रिकमेंड करेंगे अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और दूसरा हीमोफीलिया के पेशेंट जिनका एच पी लेवल डाउन है खून की कमी है अनिमिक हैं अनीमिया के पेशेंट हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यानी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करें तो पेशेंट की फिज़िकल वेरिएशंस को देखते हुए वो रिकमेंड कर सकते हैं और नाजरीन जैसा कि मैंने बताया किडनी के पेशेंट है वो नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते डायाबैटिक जो पेशेंट होते हैं वो भी इसको लॉन्ग अरसे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि डायबेटिक पेशेंट में किडनी में का जो प्रॉब्लम है यूरिया करेटानीन बढ़ जाता है सम टाइम एक लॉन्ग अरसे से उनकी मेडिसिन चल रही होती हैं जिसकी वजह से उनका जो यूरिया है करटानिन है वो अप हो जाता है उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते और नाजरीन इसको ऐसिन एक टैबलेट को एक लॉन्ग अरसे तक वैसे भी हम नहीं इस्तेमाल करवा सकते क्योंकि पैपटिक अल्सर हो जाता है मैदे का अल्सर बन जाता है मैदे के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं तो इसलिए जो भी डॉक्टर हजरत इसको रिकमेंड करते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करवाते हैं वक्ती तौर तो इसको यूज़ करवाते हैं ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं इस्तेमाल करवाते ये ऐसिन एक टैबलेट एस जे जी फार्मा की ये मेडिसन है पाकिस्तान में हर एक फार्मेसी से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए अदर कंट्री की बात की जाए तो एसिक्लोफेनिक के नाम से इसका जो साल्ट नेम है इस नेम से आप ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और उसके अलावा नाजरीन अगर इसके साथ आप कम्बिनेशन करना चाहते हैं आप उस कम्बिनेशन में आप मैथी मैथी कोबाल टैबलेट या कोबाला मिना टेबलेट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसके साथ पीपीआई यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पीपीआई का यूज़ करना बहुत ज़बरदस्त है ताकि आपको जो पेप्टिक अल्सर की जो डिज़ीज़ होती है उससे आपका बेहतर रहनमाई हो सके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसमें हेड हो सकता है और गैस्ट्रिक हो सकती है वोमिटिंग फील हो सकती है एबडामिनल क्रैम्प्स हैं वो हो सकते हैं और उसके अलावा नोज़िया और वेटिगो हो सकता है चक्कर आ सकते हैं सर चकराना ये इसमें आ जाते हैं स्किन रैशेज़ हो सकते हैं उम्मीद है नाजरीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों का ख्याल रखिएगा घर वालों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा अल्लाह नेगेबान